पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरिया जिले के चनवारीदान का महामाया मंदिर जो देखने के काबिल है, जहां भक्त जिस भाव से पूजा पाठ करते हैं वो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हमने जब इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानना चाहा और देखना चाहा तो आश्चर्य हुआ। हमने मंदिर में जाने का निर्णय ले लिया और मंदिर को जाने के लिए निकल पड़े। मंदिर जाने का जो रास्ता था काफी खतरनाक और रोमांचक, पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरी भरी वादियों से, सूखे पेड़ों की डालियों से, सूखे पत्तों की आवाज पर चलते हुए अजब सा अनुभव हो रहा था। बढ़ती धूप और गर्मी में दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई पता नहीं था। ना कहीं पानी पीने की व्यवस्था, ना बीच में कोई होटल, ना कोई घर। जब हम मंदिर के करीब पहुंचने जा रहे थे तब एक नगर मिला जहां कुछ होटलें और दुकानें थीं। लोगों से जब हमने इस मंदिर के बारे में पूछा और जानना चाहा तो सभी ने कहा कि वास्तव में माँ का मंदिर चैत्र नवरात्र में देखने के काबिल रहता है। वैसे भी हर दिन इस मंदिर में भक्तों का आना जाना तो रहता ही है, लेकिन इस चैत्र नवरात्र में इसका नज़ारा कुछ अलग ही रहता है। हमने जब मंदिर में प्रवेश किया तो हमने भी जो बातें सुनी थी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जहां लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए महिला पुरुष घंटों से भूखे प्यासे बच्चों के साथ लाइन में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, जहां हर साल चैत्र नवरात्र में घी और तेल के दिए भक्त लोग अपनी मनोकामना के लिए जलाते रहते हैं, जब हमने इस दृश्य को देखा तो देखते रह गए। इतनी गर्मी के बावजूद भी वहां के व्यवस्थापक और पंडा लोग दिए में तेल और घी 24 घंटे डालते देखे गए। हमने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि चैत्र नवरात्र के शुरू से अंतिम दिन तक दियों में तेल और घी डाले जाते हैं, जो परंपरा के अंतर्गत हमेशा किया जाता रहता है। वही करीब 110 या 20 टीना के आसपास। कितनी जोत जल रही है? 850 जल रही है घी की। कब से जल रही है? ये 6 तारीख से जल रही है कंटिन्यू। जी, हम ही लोग कर रहे हैं, जितने सारे पंडा लोग जी। ये रात्रि में बंद हो जाता है, जब पंचमी पट खुलने के बाद कंटिन्यू खुली रहती है। रात्रि जैसे ही बंद होता है मंदिर, वैसे ही पट भी बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, जब हमने मंदिर के बाहर आए तब मंदिर के प्रांगण में भारी संख्या में भक्त मिले, चाहे वो पुरुष हो या महिला, या नाबालिग लड़की हो या लड़का, जिन्हें बस में करने के लिए लोहे की जंजीरों से मारा जाता है और कांटों भरे झूलों पर बैठा कर सुलाया जाता है। आम आदमी झूले में बैठे तो काठियां चुभ जाएंगी, जबकि इतनी जोर शोर से झूलों को हिलाया जाता है जिसे देख शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मंदिर बना है ना, कि मलगा हुआ हूँ 50 साल से, यहाँ से मैं माई को सेवा कर रहा हूँ। दोनों आदमी, ये मोहरी वाला मैं, 50 से ज़्यादा हो जी। हाँ, 50 साल साहब। 9 दिन बजाते हैं? हाँ, 9 दिन दोनों माह में सर। शाम दोनों टाइम बजाते हैं? हाँ, अच्छा हमको तनख्वाह देता है। तनख्वाह देता है? हाँ। हमने देखा कि भक्तों को जब देवी आती है तो उनको बस में करने के लिए किस तरह से त्रिशूल, जंजीर, रस्सी और किस तरह मारकर या शरीर में घोंपकर बस में किया जाता है, जिसे हर आदमी नहीं देख सकता, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ था। हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने अपनी राय दी, जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। कई भक्तों ने अपनी राय दी, मंदिर में पूजा अर्चना के अलावा अपनी मनोकामना मांगने आते हैं लोग, और उनकी मनोकामना माँ की कृपा से पूरी होती है। महामाया मंदिर जो माया का विशाल मंदिर है, जिसमें भक्तों की श्रद्धा देखने के काबिल है। मंदिर भी चारों तरफ से खेत खलियान और तालाब के पानी से घिरा हुआ है, जिसकी सुंदरता को बयां करें तो मंदिर में पूजा अर्चना तो होती ही है, परंतु उस चैत्र नवरात्र में इस मंदिर का जो नजारा देखने को मिलता है वो जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता। Thank you.
गिरजा प्रसाद जायसवाल। नहीं, दर्शन करने के लिए जी। कितने साल से आप आ रहे हैं इस मंदिर में? होगा तब से मैं माता रानी दर्शन करने आ रहा हूँ, अखरा डांड से जी। अरुणा जायसवाल, अखरा डांड से। पूजा अर्चना करने आए कि कुछ मनोकामना मांगने आए वहाँ से? पूजा अर्चना करने भी आई हूँ, मनोकामना भी पूरा करने आई हूँ। और बस रामायण खोल करके भगवान का कथा करता हूँ और साथ में 9 दिनों तक का मेरा उपवास चलता है। आलू थोड़ा सा आहार लेता हूँ जो सभी भक्त लेते हैं और थोड़ा सा दूध का आहार लेता हूँ।